हॉस्पिटल, यहाँ हम देख रहे हैं कंपनी के नतीजों के ठीक बाद स्टॉक में एक अप मूव है और ये अप मूव आज भी जारी है। हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 3% की तेजी। मयूरेश, बायोकॉन के भी नतीजे आए थे और अपोलो हॉस्पिटल भी, अपोलो हॉस्पिटल आउट परफॉर्म करता हुआ, और इनफैक्ट देखें तो एक्विजिशन प्लान्स भी हैं हॉस्पिटल्स इंडस्ट्री को लेकर, कंसोलिडेशन मोड जो है वहाँ हम देख रहे हैं एक सेंटिमेंट बूस्टअप होता हुआ, और साथ ही इनके जो अलग अलग सेगमेंट्स हैं उसमें लगातार कंपनी जो है फोकस करिए, जिसके चलते नतीजे ठीक ठाक रहे ऑन पॉजिटिव, लेकिन स्टॉक मूवमेंट जो है वो काफी अच्छी रही। बायोकॉन में मुनाफे में कमी देखने को मिली थी, लेकिन रेवेन्यूज के फ्रंट पर नतीजे अच्छे थे। अपोलो हॉस्पिटल और बायोकॉन, क्या दोनों को निवेश के लिहाज से रखना चाहिए पोर्टफोलियो में? तो दो चीजें हुई मानसी, आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक जो अपोलो हॉस्पिटल्स के नंबर्स आए थे ओवरऑल, आई थिंक मार्जिन ऑब्वियसली एक एक सॉफ्टनेस देखी गई थी, 12% की मार्जिन आई थी एट दिस जंक्चर, और अगर आप 9 महीने का भी एक परफॉर्मेंस देखे तो 12.5% कंपेयर टू ऑलमोस्ट 15.5% बैक। आई थिंक जो मैनेजमेंट कॉमेंट्री थी स्पेसिफिकली डिजिटल उनके सर्विसेज को लेके, कि जितनी भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की है और जो लॉसेज देख रहे हैं, आई थिंक दिस इज द पीक ऑफ लॉसेज, आई थिंक दैट वन स्टेटमेंट प्रोबेबली चेंज द फॉर्च्यून्स। क्योंकि अगर आप कोर हेल्थ केयर, जो इनकी कोर हॉस्पिटल बिजनेस है, लीविंग असाइड डायग्नोस्टिक्स एंड द फार्मेसी बिजनेस ऑनलाइन ऑफलाइन, यहाँ पे आई थिंक जो इबिट मार्जिन परफॉर्मेंस ये ठीक ठाक रहा है, एसेट लाइट मॉडल ये फॉलो कर रहे हैं, हॉस्पिटल सेंटर मैनेजमेंट और एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड स्पेसिफिकली मेट्रो सिटीज में 60,000 रुपए के ऊपर निकल गया है। तो आई थिंक दैट वन स्टेटमेंट प्रोबेबली प्रूव टू बी अ गेम चेंजर फॉर अपोलो हॉस्पिटल, हालांकि नतीजे आई थिंक थोड़े सॉफ्ट ही थे। तो या आई थिंक जो थोड़ा मोमेंटम आपको दिख रहा है ये शायद बरकरार रहे। दूसरा आई थिंक इन टर्म्स ऑफ बायोकॉन इटसेल्फ, जो दो चीजें चल रही है इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजिक्स या बायोसिमिलर्स की हम बात करते हैं, जो 1 बिलियन के हम टारगेट देख रहे हैं, यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन देखने जरूर मिला है। एट द सेम टाइम जो इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं फ्रॉम सीरम इंस्टीट्यूट दैट दे हैव प्रोबेबली रेज्ड टुवर्ड्स अ जॉइंट वेंचर दैट दे आर एक्सपेक्टिंग टू डू, और जो एक्सपेक्टेशंस हम बांध के चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ देयर फैसिलिटी स्पेसिफिकली आई थिंक द मलेशियन फैसिलिटी, जहाँ पे FDA के कंसर्न्स हैं, वहाँ पे अप्रूवल्स आएंगे और एक पाइपलाइन बांध सकेंगे, आई थिंक दैट इज व्हाट द स्ट्रीट इज प्रॉब्ली लुकिंग एट। बट हमेशा आई थिंक मानसी मैं मान के चलता हूँ कि आई थिंक जो वॉलिटिलिटी रहती है बायोकॉन हो या सीजीएन हो उसके नंबर्स में, यहाँ पे थोड़ी दिक्कतें रहती है क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं रहता और इसलिए कभी स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पाता। तो मुझे लगता है आई थिंक मोमेंटम अपोलो हॉस्पिटल में बरकरार रहेगा, बायोकॉन कैन जस्ट प्रॉब्ली जस्ट रिमेन साइडवेज बिकॉज ऑफ ऑल दीस फैक्टर्स मेंशन्ड। अपोलो हॉस्पिटल पर फोकस और अपोलो हॉस्पिटल को पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, अपोलो हॉस्पिटल और बायोकॉन दोनों में अगर कंपैरिजन करके आप चल रहे हैं तो। लेकिन